कई बार हमें ट्रांसलेशन या अनुवाद करना होता है और इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं होता। ऐसे में ट्रांसलेट कर सकते हैं क्या? अगर हाँ तो कैसे? इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गूगल ट्रांसलेट को बिना इंटरनेट के या ऑफलाइन कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम एकता है। आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि गूगल ट्रांसलेट और ट्रांसलेशन के टॉपिक पर हमारे चैनल पर कई वीडियोस हैं। अगर आप कंप्यूटर से ये वीडियो देख रहे हैं तो स्क्रीन पर क्लिक करके, और अगर आप मोबाइल से ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके ये सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है मेरा सैमसंग नोट 4 जो एक एंड्रॉइड फोन है। यहाँ मैंने पहले से गूगल ट्रांसलेट की ऐप इंस्टॉल की हुई है। चलिए इसे खोल लेते हैं। ओपन के बटन पर क्लिक किया और आप देख सकते हैं ये गूगल ट्रांसलेट खुल गया। अब हम ऊपर यहाँ से ऐसे स्लाइड करते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो फिलहाल मैं वाईफाई से भी कनेक्टेड हूँ और मेरा मोबाइल डेटा भी ऑन है, तो इस समय ये ऐप इंटरनेट पर चल रही है, लेकिन आप इसे ऑफलाइन मोड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से बाहर आ जाते हैं। ये रहा गूगल ट्रांसलेट। चलिए पहले मैं इंग्लिश में कुछ टाइप कर लेती हूँ, जैसे कि हेलो, और ये नमस्ते आ गया। तो ये इंग्लिश टू हिंदी हमने ट्रांसलेट कर लिया, लेकिन ऑनलाइन मोड में। अब आपके पास यहाँ पर दो तरीके हैं ऑफलाइन जाने के, लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। आपको पहली बार इंटरनेट से कनेक्टेड रहना है और फिर आप अपने फोन में ऑफलाइन लैंग्वेज पैक डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार ये भाषा का पैक आपने अपने फोन में डाउनलोड कर लिया तो आपको ट्रांसलेट करने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, यहाँ पर ये पहली भाषा है इंग्लिश और ये है हिंदी। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग भाषाएं आ जाएंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं गूगल ट्रांसलेट में बहुत सारी अलग अलग भाषाएं पहले से दी हुई हैं। चलिए हम ये हिंदी के आगे जो एरो है इधर क्लिक कर लेते हैं, और ये देखिए ये एक पॉपअप सा खुल गया। ये है हिंदी ऑफलाइन ट्रांसलेशन। हमें बोला जा रहा है कि जब आप ऑफलाइन होंगे तो भी आप हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएंगे। फिलहाल ये फाइल जो है ये 32 MB या 32 MB की है और मेरे फोन में काफी स्टोरेज है, तो मैं इसे डाउनलोड कर लेती हूँ। ये डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर लेती हूँ। अब वो हमसे पूछ रहा है कि केवल वाईफाई में डाउनलोड करें या फिर मोबाइल या वाईफाई दोनों। तो मैंने वाईफाई यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है और डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर दिया। ये हिंदी का लैंग्वेज पैक मेरे फोन में डाउनलोड हो रहा है। ये देखिए, इसके आगे अब ये टिक मार्क आ गया, इसका मतलब हिंदी ऑफलाइन पैक मेरे फोन में आ गया। एक और तरीका भी है, यहाँ पर ये तीन बार्स हैं, आप यहाँ पर भी जा सकते हैं, और यहाँ पर ये ऑफलाइन ट्रांसलेशन है, इधर क्लिक किया तो आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस पहले से डाउनलोडेड हैं, और आप यहाँ पर लैंग्वेज पैक्स जो हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए अलग अलग भाषाएं हैं, जैसे कि हिब्रू, आयरिश वगैरह वगैरह, लेकिन हमें हिंदी चाहिए और हिंदी हमारे यहाँ पर पहले से है। डाउनलोड लैंग्वेजेस की लिस्ट में आप देख सकते हैं कि हिंदी पहले से मौजूद है। चलिए अब हम यहाँ से बाहर आते हैं, और अब मैं अपने मोबाइल को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर देती हूँ और देखते हैं ये ट्रांसलेट कर पाता है या नहीं। अब मैं वाईफाई और मोबाइल डेटा दोनों ऑफ कर दूंगी। ये यहाँ पर मैंने इधर वाईफाई को ऑफ किया और यहाँ पर मोबाइल डेटा भी ऑफ कर दिया। चलिए अब हम दोबारा से कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे कि हाउ आर यू, और ये देखिए ये हिंदी में आ गया, तुम कैसे हो। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। तो ये देखिए फिलहाल मेरा वाईफाई भी ऑफ है और मेरा मोबाइल डेटा भी ऑफ है, और मैंने इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन या अनुवाद बिना इंटरनेट के कर लिया। हाँ, पहली बार लैंग्वेज पैक को इंस्टॉल करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी।
तो देखा आपने, बहुत ही आसान है। आप गूगल ट्रांसलेट की मदद से बिना इंटरनेट के भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, बस कुछ ही मिनट्स में अपने फोन पर। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फायदा होगा। YouTube पर लाइक का बटन जरूर दबाइए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की नोटिफिकेशन या सूचना लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। मैं हूँ एकता। थैंक यू। धन्यवाद।